नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए चॉकलेट बार बनाने वाले हैं। चॉकलेट बार बनाने के लिए मैंने इस मेजरमेंट से ये 2 कप दूध लूंगी। मैं यहाँ 2 कप दूध लेंगे और इसको अच्छे से इसमें हम ये 1.5 कप हमने शुगर लिए, ये इसमें हम डालेंगे। शुगर को अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएं। ये 3 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरा, इसको भी हम इसमें डालेंगे और इसको गाढ़ा होने तक भुनेंगे। ये दूध और नारियल का मिश्रण अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके ठंडा होने पर बार बनाएंगे। घी का हाथ लगाकर हम इस टाइप से ये बार्स बना लेंगे। इस प्रकार से हम सारे बार्स बना लेंगे। हमने कुछ को लंबे शेप में बनाया है और कुछ को गोल शेप में, रेक्टेंगल में। ये हमने 200 ग्राम चॉकलेट लिए है, हम इनको मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में। आप इसको पानी, गर्म पानी में भी मेल्ट कर सकते हैं। ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको हमने 20-20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में 3 बार रखा था। अब थोड़ी हल्की इसको गुनगुनी रखना है हमको इसको। अब जो हमने जो बार्स बनाए थे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखे थे, उसको हम इसमें डालेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे चॉकलेट को। इसको हम सारी बार्स को डिप करने के बाद हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। ये हमारी बाल सेट हो गई है। 1/2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप तब से ये बाल बनकर तैयार हो गई है। हम आपको इसको ये देखिए ये चॉकलेट बार तैयार हो गई। तो इस प्रकार ये बार रेडी हो गए हैं। अब हम इसको गार्निशिंग के लिए चॉकलेट सिरप से स्प्रेड करेंगे इस टाइप से। इस प्रकार से आप भी मिल्क चॉकलेट बार घर पर बना सकते हैं आसानी से, और आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।